पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ छाया हुआ है। श्री तरुण कारपेंटर वायरस के बारे में कुछ जानकारी देंगे। कोरोना वायरस के ऊपर की सतह प्रोटीन से बनी होती है। यदि कोई दवा उस प्रोटीन की परत के साथ रासायनिक क्रिया कर ले तो वह वायरस खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी जानकारी दें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या-क्या उपाय बताएंगे आप? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कोई खांसता है तो उससे दूर रहना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए किसी से, और यदि हमें रुमाल ढक लेना चाहिए खांसी होती है तो, और यदि शरीर में दर्द होता है और सिर दर्द होता है तो अपने आस पास के अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। और किसी भी छींकने खांसने वाले व्यक्ति से 1 मीटर दूर रहना चाहिए। और खांसते समय हमारे पास रुमाल ना हो तो उन्हीं को ऐसे टेढ़ा करके खांसना चाहिए। खाने पीने में दालें व विटामिन सी प्रोटीन वाले कुछ चीज़ें खानी चाहिए। और हमें हल्दी में दूध में मिलाकर लौंग इलायची को खाना चाहिए, जिससे वायरस नष्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है। और तुलसी नीम गिलोय का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। तो डेली तुलसी की 10 पत्तियां हमें खानी चाहिए। और रोटी खाने से पहले और लेटरिंग करने के बाद हमें बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, जिससे से हमारे भोजन में कोई कीटाणु न जाए।